नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि आजाद की रैली को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 सितंबर को गुलाम नबी आजाद जम्मू के अंदर यहाँ पर रैली करेंगे और आजाद कल जम्मू में यहाँ पर न्याय सियासी दल की घोषणा करेंगे और रैली की तैयारियों में गुलाम नबी आजाद का खेमा जुटा हुआ है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की आज भी लगभग किस तरह से झड़ी लग रही है वो आप देखेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, गुलाम नबी आजाद की जम्मू में रैली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिस तरह से आपने देखा गुलाम नबी आजाद की जम्मू में रैली का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो एक एक करके इस्तीफे देने का भी दौर जारी। आजाद कल जम्मू में यहाँ पर नए सियासी दल की घोषणा करेंगे और पार्टी का नाम कुछ क्या रखा जाएगा ये भी हर किसी की नजर जो है इस पर टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है जहां पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बीच अब देखना ये होगा कि कल किस तरह से भारी तादाद में आम जनता वहां पर जुटेगी, क्योंकि आप लोगों को भी संबोधित किया जाएगा, किन मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी ये बड़ा सवाल है और रैली के आयोजन को लेकर पूरी तरह से आप देखिए तैयारियां किस तरह से की जा रही है। खेमा पूरी तरह से जुटता हुआ नजर आ रहा है और गुलाम नबी आजाद की जम्मू में रैली का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आजाद कल जम्मू यहाँ पर सियासी रैली करेंगे और सियासी दल की घोषणा भी यहाँ पर की जाएगी और रैली की तैयारियों में गुलाम नबी आजाद का खेमा जो है वो पूरी तरह से जुटता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की अब आज यहाँ पर झड़ी लग रही है और एक बार फिर से देखिए कांग्रेस के अंदर किस तरह से इस्तीफे देने का दौर शुरू कर दिया गया है और रैली की तैयारियों को भी मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। लेकिन भारी तादाद में आम लोगों की इस रैली स्थल पर जुटने की आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली स्थल का निरीक्षण भी करेंगे और वहां पर पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। आजाद कल जम्मू में यहां सियासी दल की घोषणा करेंगे और सियासी दल ये कौन सा रहेगा, किस तरह से पार्टी का नाम होगा, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह से बार बार अटकलें लगाई जा रही थी कि अलग अलग पार्टियों से भी लोग इसमें निकलते हुए नजर आएंगे, तो कल देखना ये होगा कि कौन कौन यहाँ पर रैली स्थल के अंदर मौजूद रहेगा। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, किस तरह से तैयारियां चल रही है रैली को लेकर? कि आजाद भाग की जो रैली का आगाज किया गया है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसमें शामिल होने के लिए अभी भी लगातार कांग्रेस से इस्तीफों का जो काम है वो लगातार अभी भी चल रहा है। यानी कि आजाद साहब को सपोर्ट करने के लिए उनके तमाम जो सपोर्टर्स हैं अभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कार्य लगातार कर रहे हैं और कल जो ये रैली जो एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू अपना इस्तीफा देने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचेंगे और पब्लिक मीटिंग में लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे और साथ ही साथ अपनी नई पार्टी के अनाउंसमेंट भी की जाएगी। और रितिका ये बताइए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर से इस्तीफे देने का दौर शुरू हो गया है, क्या आज भी कोई इस्तीफे सामने आए हैं? जी, आज मैं आपको बता दूं कि गुरमीत कौर जो कि कांग्रेस की काफी समय से इनकी सपोर्टर रही हैं, आज गुरमीत कौर की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कार्य कर दिया और इसी में अब अगर मैं जीएम सरूरी की बात करूं वो भी आने वाले थे पर किसी वजह से वो नहीं आ पाए मीडिया के सामने, पर कल वो आजाद साहब के साथ आ सकते हैं और पूरा सपोर्ट जो है तमाम जिन्होंने भी इस्तीफे देने का कार्य किया है वो तमाम समर्थक कल आजाद साहब के साथ। रितिका, अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों से भी लोग बाहर आ सकते हैं, क्या लगता है कि कल रैली स्थल पर ये लोग देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि ज्यादातर चेहरे कल बाहर निकल के आएंगे और आजाद साहब को अपना सपोर्ट देंगे, जिसमें बाकी के जो अलग अलग कुछ दल बने हुए हैं उनकी तरफ से बातें निकल के बाहर आई थी। अपनी कुछ शर्तों के साथ उन्होंने कहा था कि अगर ये हक दिलाने में आजाद साहब उन्हें वादा करेंगे तो वो भी उनकी पार्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। तो इसी तरीके से काफी लोग हैं अपनी पार्टी के साथ, अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी अब आजाद साहब के साथ निकल के बाहर आ रहे हैं। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो बता रही है कि किस तरह से कल रैली यहां पर होगी, आम जनता को संबोधित भी किया जाएगा आजाद की तरफ से, लेकिन देखना ये होगा कि नए जो सियासी दल का आगाज होने वाला है उसे किस तरह से सामने रखा जाएगा, क्या कुछ रणनीति यहां पर आजाद की तरफ से सामने रखी जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। अब आपको लिए चलेंगे गांदरबल और गांदरबल से गंगबल इलाके की खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए गंगबल यात्रा की शुरुआत से भावनाओं में कश्मीरी पंडित श्रद्धालु बह गए हैं और गांदरबल जिले से वार्षिक यात्रा का शानदार आगाज हुआ है और कड़ी सुरक्षा में 47 श्रद्धालु गंगबल झील की ओर रवाना हुए हैं और भगवान के जयकारों के साथ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इस रवाना पर यात्रा पर रवाना होते हुए नजर आए हैं। जयकारों से ये हरमुख पर्वत श्रृंखला जो है वो गूंजती हुई नजर आ रही है। गांदरबल से बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर गंगबल यात्रा की शुरुआत हो गई है और भगवान
को लेकर यहाँ श्रद्धा देखते ही बन रही है। यानी जयकारों से ये पूरी वैली आप देखिए गूंजती हुई नजर आ रही है। हर मुख पर्वत श्रृंखला जयकारों से यहाँ गूंज रही है और कड़ी सुरक्षा में 47 श्रद्धालु गंगवल झील की ओर रवाना किए गए हैं और शानदार यात्रा का यहाँ पर आगाज हुआ है। गांदरबल जिले से ही इस पूरी यात्रा का आगाज किया गया है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कश्मीर के गांदरबल इलाके की खबर आप देख रहे हैं, जहां पर गंगवल झील की तरफ ये यात्रा जो है वो रवाना की गई है और भगवान के जयकारों के साथ आप देखिए हरमुख पर्वत श्रृंखला किस तरह से गूंजती हुई नजर आ रही है। यानी श्रद्धा का सैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हर भक्त की जो श्रद्धा है मान्यता है वो देखते ही बन रही है। और कश्मीरी यहां पूरी तरह से आप देखिए पंडित जो है वो श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बीच में कड़ी सुरक्षा में ही 47 श्रद्धालु जो है इस यात्रा पर रवाना किए गए हैं। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से वहां पर किस तरह से काम किया गया है वो भी आपको दिखाना बहुत जरूरी था, लेकिन फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर इस यात्रा का आगाज किया गया है। पर्वत श्रृंखला पर जयकारे यहां गूंज रहे हैं और भक्ति देखते ही बन रही है। जयकारों से ये पूरी श्रृंखला यहां पर गूंजती हुई और इस बीच में कश्मीरी पंडित श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले भी आप देखिए हर साल इस तरह से ये यात्रा जो है वो कराई जाती है, लेकिन गांदरबल जिले से वार्षिक यात्रा का आज शानदार आगाज हुआ है और किस तरह से वापसी होगी, कैसे वहां पर पूरे रास्ते में आने और जाने का अरेंजमेंट किया गया है प्रशासन की तरफ से, ये देखना बहुत जरूरी था। लेकिन साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 47 जो श्रद्धालु छोड़े गए हैं उनके लिए पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कामकाज करती हुई नजर आ रही हैं और चौकसी लगातार बढ़ाई गई है और सुरक्षा के घेरे के बीच में इस पूरी यात्रा का यहां पर आगाज किया गया है। हरमुख गंगा गांदरबल यात्रा का जो आप देखिए आज यहाँ आगाज जो है वो हुआ है। जयकारों से ये गूंजती हुई नजर आई है और इस बीच में गंगबल यात्रा की शुरुआत से भगवान के जो भक्त हैं उनमें काफी श्रद्धा देखी जा रही है और भावनाओं में जो बहे हैं कश्मीरी पंडित श्रद्धालु वो आप देखेंगे। लेकिन साफ आप तस्वीरों में भी देखेंगे सुरक्षा बलों को भी किस तरह से साथ में लेते हुए ये यात्रा का आगाज यहाँ पर किया गया है और हर कोई अपनी मन्नत मांगने के लिए मंदिर में पहुंच रहा है। और इस बीच में हरमुख पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो काफी हद तक आकर्षण का वो मुख्य केंद्र भी बनी हुई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले, कठुआ आपको लिए चलेंगे क्योंकि श्रद्धा का सैलाब तो आपने कश्मीर के अंदर देख लिया, लेकिन अब आप कठुआ की ओर चलें जहां पर आप देखिए पशु तस्करी के मामले किस तरह से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। हाईवे पर पशु तस्करी की एक और कोशिश जो है वो नाकाम यहाँ पर हो गई है। कठुआ में राजबाग पुलिस ने बरामद किए हैं 20 मवेशी। बड़ी सफलता यहाँ पुलिस पर आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है क्योंकि सवालिया निशान पुलिस पर खड़े हो रहे थे कि आखिर पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो हरकत में आती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी सफलता कठुआ पुलिस को हाथ लगी है। जम्मू के सिदड़ा इलाके के दो तस्कर यहाँ पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं और इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर हाईवे पर पशु तस्करी की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। 20 मवेशियों को यहां बरामद किया गया है और सिदड़ा इलाके से दो तस्कर भी पकड़े गए हैं और कठुआ में राजबाग पुलिस ने ये 20 तस्कर यहां गिरफ्तार किए हैं और साथ ही साथ ये 20 तस्कर नहीं 20 मवेशी हैं जिन्हें पकड़ा गया है और कठुआ पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन सवाल यहां पर ये है कि आखिर तस्करी पर कब तक रोक लगेगी, यानी महज सिर्फ एक गाड़ी को पकड़कर कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे लोगों के पूरे जाल तक पहुंचने की जरूरत है, जड़ तक पहुंचने की जरूरत है ताकि वहां से इसे खंगाला जाए और खत्म किया जाए। लेकिन इस वक्त साफ तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि एक ट्रक में किस तरह से इन पशुओं को भरा गया है और उसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जाहिर तौर पर समझिए कि पशुओं की जो तस्करी है वो अभी भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस पर नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में पुलिस हरकत में आई है और नाका लगाया गया है, जिसमें आप देखिए कठुआ में राजबाग पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है जिसमें 20 मवेशियों को पकड़ा गया है, दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इन तस्करों से किस तरह से पूछताछ की जा रही है ये देखने वाली बात है। इससे पहले भी कई बार सांबा कठुआ हीरानगर सेक्टर में भी पशु तस्करी की अगर इस तरह से मामले सामने आए हैं तो वहां पर कुछ तस्करों को भी पकड़ा गया था, लेकिन इस बीच में पकड़ने के बाद कार्रवाई आगे किस तरह से की जाती है ये बड़ा सवाल है। साफ तौर पर आप देखिए एक ट्रक का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है और अब यहाँ पुलिस को राजबाग पुलिस को काफी तरीके से बड़ी सफलता हाथ लगी है
और ये गाड़ी जो तस्करी के लिए इस्तेमाल भी की गई थी, लेकिन इस बीच में अब देखिए ट्रक का इस्तेमाल किस तरह से हुआ, और इससे पहले कई बार छोटी गाड़ियों में भी तस्करी का जो काम है वो किया गया है, लेकिन इस पर नकेल कसना किस तरह से जरूरी था ये बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आया। लेकिन आप देखिए कि 207 गाड़ी और साथ ही साथ एक बड़ा ट्रक जिसका इस्तेमाल किया गया पशु तस्करी को मद्देनजर रखते हुए, तो ऐसे वाहन चेकिंग के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बार बार अटकलें लगाई जाती हैं कि यहाँ पर व्हीकल स्कैनर होना चाहिए, जैसे ही लखनपुर से गाड़ी अंदर आए यहाँ पे प्रवेश द्वार तक पहुंचती है तो पूरी तरह से व्हीकल जो है वो स्कैन होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ है पता चलना चाहिए, लेकिन इस बीच में अभी तक स्कैनर्स को लेकर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखेंगे एक ट्रक का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, 207 गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप देखिए आए दिन पशु तस्करी के मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज एक सफलता तो हाथ लगी है, लेकिन फिर भी पुलिस को काम करने की कितनी जरूरत है? पुलिस से एक बड़ी सफलता लगी है और राजबाग पुलिस की टीम ने नाका लगाया हुआ था जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। इसी दौरान जब यहाँ पर गाड़ियों की जांच हो रही थी, इसी दौरान दो गाड़ियां जो हैं वहां से भागने की फिराक देते ही उन्होंने कोशिश की है, तो पुलिस की टीमों ने तुरंत हरकत में आते हुए एक महिंद्रा लोड कैरियर और एक ट्रक को वहां पर दबोचा है, और इनमें से अवैध रूप से लेके जाए जा रहे 20 मवेशियों को यहां पर पुलिस ने मुक्त करवाया है और पुलिस द्वारा बनाई गई गौशाला में यहां पर उन मवेशियों को रखा गया है। जो ट्रक था इसमें यह दर्शाया गया था कि सिंटेक्स जो पानी की टंकी है वो उसमें लोडेड है, और लेकिन इस तरह से अवैध तरीके से यहाँ से बेजवानों की तस्करी का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था, और पुलिस ने भी तुरंत हरकत में आते हुए दोनों ही गाड़ियों को जब्त किया है। दो आरोपियों को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो पशु तस्करी हो रही है उसमें तरीके कई तरीके लगाए जा रहे हैं, यानी पशु अगर आवाज करते हैं तो जाहिर तौर पर सुनाई देता है, लेकिन उसे रोकने के लिए भी कई तरह के जो पैंतरे हैं वो यहाँ पर बुने जाते हैं। यहाँ पर किस तरह से बिठाया गया था अंदर, और अब ये पशु अगर बरामद हुए हैं तो कहाँ रखा गया है इन्हें? हाँ जी बिल्कुल, जो ट्रक है इसमें इस तरह का पूरा कैविटी यहाँ पर बनाई गई थी, ऊपर ट्रक के पानी की टंकियां जो सिंटेक्स टंकियां हैं वो यहाँ पर लोडेड थी, और बीच में कैविटी बनाकर यहाँ पर मवेशियों को बड़े ही क्रूरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर बांधा गया था, और यहाँ से उनको तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था। और जिस तरह से पहले भी हमने अपनी रिपोर्ट्स में यहाँ पर दिखाया है किस प्रकार से नए नए तरीके नए नए हथकंडे जो है ये तस्कर यहाँ पर अपनाते हैं, कभी पानी की टंकी में, कभी जो कंटेनर है उसमें, और कभी सब्जी और फल की गाड़ियों में इस तरह से मवेशी तस्करी का प्रयास किया जाता है। लेकिन पुलिस भी समय समय में तस्करों को पार पाती है, और आज भी तस्करी की वारदात को विफल करते हुए 20 मवेशियों को मुक्त करवाया, और सभी को जो पुलिस द्वारा बनाई गई विशेष गौशाला है वहां पर इनको रखा गया है। और सरबजीत, जो दो तस्कर पकड़े गए हैं उनसे कोई पूछताछ हो पाई है? कहां से आए थे, कहां जा रहे हैं, और किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, अभी तक की जो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये गाड़ी जो है कश्मीर घाटी की ओर जाना था, और कहां से ये लोड हुई है और कौन कौन इसके मददगार हैं इसके लिए पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, और जो भी आरोपी होंगे पुलिस का ये मानना है ये कहना है कि जल्द ही उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर ले। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ी पशु तस्करी की घटना यहाँ पर रोकी गई है, 20 मवेशियों को यहाँ बरामद किया गया है, दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी तरह से आप देखिए पुलिस तो सचेत नजर आ रही है, लेकिन और भी ज्यादा इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और गश्त लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा अब आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए राजपूत समुदाय के लोग एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश की यहाँ मांग उठ रही है, और राजपूत सभा सहित कई अन्य संगठन मांग को लेकर अब हुंकार भरेंगे, और हाईवे पर धारा 144 को यहाँ पर फिर से रखा जाएगा, यानी उसका ख्याल पूरी तरह से रखा जाएगा। जिस तरह से धारा 144 जो है वो नेशनल हाईवे पर लागू की गई है, राजपूत सभा सहित कई अन्य संगठन भी अब यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर ये अब मांग जो है वो उठती हुई नजर आ रही है, और समुदाय के लोग अब एकजुट होकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच में आप देखिए महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर लगातार मांग जो है वो अब गर्माती जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कितनी जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कई और संगठन भी साथ आते हुए नजर आएंगे, वो भी हुंकार भरेंगे, और हाईवे पर धारा 144 जो है वो लगाई गई है, जिसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। इस बीच में आपको बताते चलें कि पिछले दिनों धारा 144 जो है वो नेशनल हाईवे पर लगाई गई थी, जिसमें
साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई भी कार्रवाई यहां पर होती है या फिर अवहेलना होती है कानून की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। लेकिन इस वक्त आप देखिए एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है जिला सांबा से, जहां पर बताया गया है कि राजपूत सभा की तरफ से एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस बीच में और अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं वो भी एकजुट होते हुए नजर आएंगे, एक मंच पर आते हुए नजर आएंगे और उसके साथ हाईवे पर जो धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, कानून को ताक पर रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जाएगी यहाँ पर। और उसके साथ साथ ये समझिए कि जिस तरह से लगातार ये मांग अब उठती जा रही है, इस पर किस तरह से प्रशासन अब फैसला लेगा ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आप देखिए लगातार जो आम जनता है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस को लेकर छुट्टी की ये मांग कर रहे हैं, जिस पर गौर फरमाने की प्रशासन को भी जरूरत है कि आखिर लगातार धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं और राजपूत सभा सहित कई अन्य संगठन भी अब यहाँ पर हुंकार भरेंगे और साथ ही साथ महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर अवकाश की ये मांग सामने रखी गई है। हाईवे पर धारा 144 लगाई गई है लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए अवहेलना यहाँ पर ना हो उसे मद्देनजर रखते हुए पूरा काम किया जाएगा और जिस तरह से काम करने की कोशिश हो रही है इस पर बहुत बड़ा जो सवाल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सांबा से, जहां पर आप देखिए धरना प्रदर्शन करते हुए आम जनता को देखा गया है। लेकिन सीधा आपको लिए चलेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ, जहां पर जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। गहराइयों से आभार प्रकट करती हूं। आज का जो विषय प्रेस वार्ता का है वो बहुत ही गंभीर है। आपने देखा कि जो प्रचलन आज द्वेष की राजनीति का पूरे देश भर में चलाया जा रहा है उससे आज जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से वॉइस ऑफ डिसेंटर्स को, वॉइस ऑफ अपोजिशन को दबाने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये भाजपा वाले और जो बाहर से हमारे एलजी साहब आए हैं, चाहे उनके गिरोह के बाकी साथी हों, जिस तरह से वो अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं वो घोर निंदनीय है। ये हमारी डेमोक्रेसी पे, जो वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी है उस पर एक प्रहार है जिसे हम सह नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार एसोसिएशन द्वारा एक मांग कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसे एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर रखा जाए ताकि जनता को असुविधा ना हो और वो इस पे आंदोलन करते आए पिछले कुछ दिनों के अंदर। और उन्होंने हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसने इसका बिल्कुल समर्थन किया और हमने बढ़ चढ़ कर उसमें इनका साथ दिया और कोशिश की कि जो बंद की कॉल थी उसको भी हमने विजयी बनाया। आपने देखा किस तरह से जम्मू का हर नागरिक उस बंद में शाना बशाना बार एसोसिएशन के साथ था, क्योंकि बार एसोसिएशन की जो मांगे थी वो लोकहित की मांग थी और जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो हमेशा से लोगों के हितों की बात करती आई है, लोगों के साथ अन्याय ना हो उसके लिए आंदोलन करती आई है। हमारी ये मांग है कि आज जिस तरह से हमने देखा कि जब भी कोई आवाज़ गवर्नमेंट के खिलाफ उठी उसको दबाने के, उसको कुचलने की कोशिश की गई, उसको किस तरह से दबा दिया जाए उसकी कोशिश की गई, उसका साफ उदाहरण देखने को मिला जब राजपूत सभा ने अपने महाराजा हरि सिंह जी के लिए छुट्टी मांगी तो धारा 144 लगा दी गई, जब युवा ने रोजगार मांगा तो उस पर लाठी भांज दी गई, जब दिग्विजय ने अपने लिए एक सुनिश्चित मांगा कि हमें पक्की नौकरी दी जाए तो उन पर लाठियां भांजी गई, इसी तरह से वकीलों ने आंदोलन किया तो उन्हें नोटिस थमा दिया गया। मेरी ये मांग है, हम इस प्रेस वार्ता के द्वारा आपके द्वारा एक मांग रखते हैं एलजी साहब से कि जो मांग प्रेस जो ये हमारी वोकला साहबान जो पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का और एक पढ़ा लिखा वर्ग है जिसे पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है, उन्होंने जो डिमांड रखी है वो लोगों के हित की है। ये वही भाजपा है जिसने सिरे से इस कॉन्स्टिट्यूशन को नकारा है। हमारा ये मानना है, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को कभी माना ही नहीं वो क्या जाने कि कानून की हदों में रहना क्या होता है। मेरा ये मानना है
कि वकील जो पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं और गहरे पढ़े लिखे हमारे समाज का एक वर्ग है जो समाज में इज्जत रखते हैं, उन पे इस तरह का प्रहार करना ये हमारे जम्मू के लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विपरीत हमें लगता है कि एलजी साहब को चाहिए था कि वो इनके साथ बैठते और वार्ता करते और इस पे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आता, इनकी मांगों को पूरा किया जाता। अभी भी मुझे लगता है कि एलजी साहब को इनके साथ बैठना चाहिए और इन तमाम मुद्दों पे डिस्कशन करनी चाहिए ताकि जो लोगों को आज दिक्कतें आ रही हैं, ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के अंदर है, लोग दूसरे राज्यों के अंदर जाके हमारे जम्मू के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार एसोसिएशन का ये मानना था कि तमाम जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो रजिस्ट्री के हों, ट्रिब्यूनल हों, वो एक ही कम्प्लेक्स के अंदर बनाए जाने चाहिए और एक बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए जहाँ भाजपा स्मार्ट सिटी का दावा करती है। उस स्मार्ट सिटी के अंदर क्या एक स्मार्ट कोर्ट कम्प्लेक्स होना शामिल नहीं है? जहाँ भाजपा नीचे कचरे के ऊपर स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाती है, खुदी हुई सड़कों के ऊपर स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाती है, लोग जिस तरह से आज दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, भाजपा इन सब के लिए जवाबदेही है। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तमाम अन्य राज्यों के अंदर धन बल का प्रयोग करके सरकारें गिराई, ये जो इनका स्ट्रोक है कि जिस तरह से लोगों को दबाया जाए और फिर उनको अपने ओर खींचा जाए, ये इनकी जो टैक्टिस है इसको आज पूरी जनता ने एक नजर बनाए हुए है। इस पे जिस तरह से जम्मू के लोग आज देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने पहले पीडीपी के साथ सरकार बना के जम्मू के लोगों को बेचा और उसके बाद हमारी स्टेट को खंड विखंड करके रख दिया और हमारी संस्कृति पे एक गहरा प्रहार किया। आज जम्मू के लोग बहुत विचलित हैं और इन मुझे लगता है कि भाजपा को चाहिए कि तमाम मुद्दों पे वो गंभीरता से सोचते हुए किस निष्कर्ष पे पहुंचे। और मैं आज ये मांग करती हूँ, ये जो वकीलों की मांग है और जिस तरह से आज बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब को ये नोटिस सर्व किया गया, हम बार प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं क्योंकि ये एक आवाज़ को दबाने का एक कोशिश है। हमारा ये मानना है कि भाजपा की इस तरह की जो नीतियां हैं जो लोगों के विरुद्ध हैं, उनका आज लोग उससे बिल्कुल वाकिफ हैं और आने वाले समय में लोग उसका बिल्कुल एक जवाब देंगे और इनको उसका जवाब देना होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नम्रता शर्मा, आप नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि नम्रता शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी, उसके बाद अपनी पार्टी में और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर भाजपा पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि सरकार की तरफ से जितने भी फैसले लिए गए उससे खंड विखंड यहां पर जम्मू कश्मीर को किया गया है और साथ ही साथ एसोसिएशन को लेकर, वो बार एसोसिएशन के समर्थन को लेकर बातचीत कर रही है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन पर खड़ी है और अब आम आदमी पार्टी किस तरह से रणनीति बन रही है वो आपने साफ सुन लिया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रियासी लिए चलेंगे और रियासी से दिखा देते हैं कि किस तरह से बच्चे यहां धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रास्ते की समस्या उन्हें आ गई है और शिवखोड़ी मार्ग पर स्कूली बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन कर लिया है। स्कूल का रास्ता यहां पर बंद होने की वजह से, रास्ते में कब्जा करने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां, बच्चों को परेशानियां। अभिभावकों के साथ मिलकर रियासी शिवखोड़ी मार्ग को यहां पर जाम कर दिया गया है और पुलिस के आश्वासन पर इस लंबे जाम को खुलवाया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट रियासी जिले से देखने को मिल रही है जहां पर बच्चों में काफी गुस्सा है। स्कूल के रास्ते को यहां पर आगे लाने की कोशिश की गई है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई जिसकी वजह से बच्चों के अंदर आक्रोश है। अभिभावकों के साथ वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहां पर मिल बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की है। संजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव, जल्दी जल्दी से, समय का अभाव है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से सुलझाया जा रहा है इस मामले को? जी आशा जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हम देखते हैं आए दिन काफी जो वाक्य सामने आते हैं, कभी स्कूल के बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो गाड़ी वाले गाड़ी में नहीं बिठाते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो जो रियासी और शिवखोड़ी मार्ग है उसके बीच जो कंडा क्षेत्र पड़ता है जहां पर जो स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो कहीं ना कहीं जो उधर से कहीं रास्ते से गुजरते हैं तो लोगों ने जो उनका रास्ता बंद कर दिया गया था, तो इसी के कारण आज उन्होंने बच्चों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया और SHO 38 मौके पर पहुंचे। उन्होंने आगे की जो उनको सलाह दी है कि हम आगे का देखेंगे बाकिया किस तरह से ये रास्ता खुलता है। और आश्वासन क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया है या फिर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तरफ से आश्वासन है? जी अगर बात करें तो जो आश्वासन उनको मिला है, पुलिस के अधिकारी वहां पे पहुंचे थे और कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचा था और उन्होंने आश्वासन दिया जो बच्चे शाड़गढ़ स्कूल जाना चाहते हैं, मतलब जो शाड़गढ़ रास्ता है उनका,
तो वो खोल दिया जाएगा, उनसे खुलवा दिया जाएगा और बच्चे बाहर को स्कूल जा पाएंगे। चलिए संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको देखते हैं चलें कि किस तरह से वैकल्पिक मार्ग को खोलने की बात यहां पर कह दी गई है। पुलिस की तरफ से समझाया बुझाया गया है और जाम को यहां से खुलवाया गया है, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए रियासी छिफकोड़ी मार्ग पर ये बच्चे नजर आ रहे हैं, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।